सावर मसूड़ा किसकी चित्रशैली है, या मैं यू कहूँ किसके अन्न केंद्र हैं, ये किसके अन्न केंद्र हैं ये आपको बताना है। क्या ये आपके अजमेर के हैं, क्या ये आपके आमेर के हैं, क्या आपके शेखावाटी के हैं या नाथद्वारा के। देखिए शेखावाटी से मुझे एक चीज बेहतर याद आ रही है कि एक बार पूछा गया था कि किस चित्रशैली को ओपन आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ओपन आर्ट गैलरी, ओपन आर्ट गैलरी, ओपन आर्ट गैलरी के नाम से भी किसे जाना जाता है, गैलरी। ठीक है, तो ये आपकी शेखावाटी चित्रशैली को, ठीक है ना, चित्रशैली, चित्रशैली को, ठीक है ना। तो ये किसके बाद में याद रखना है, शेखावाटी, और शेखावाटी के वो चुरू सीकर झुंझुनू वाला जो एरिया है वो शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। साथ में ये एक बार पूछा गया है कि मुगल प्रभाव जिस चित्रकला पर सर्वाधिक पड़ा है और जिस स्थापत्य कला पर भी देखने को मिलता है वो भी कौन सा है, आमेर के अंदर या जयपुर के अंदर जो निर्माण किए गए हैं। ठीक है ना, तो मुगल प्रभाव सर्वाधिक, मुगल प्रभाव सर्वाधिक। ठीक है, और साथ में जो आपके मैं बात करूं किसके, तो मेवाड़ और मुगल संबंध, एक मिनट, राजपूत और मुगल संबंध लिखना आप, तो कैसा, राजपूत प्लस मुगल संबंध, मुगल संबंधों को दर्शाया गया है। ठीक है, तो वो किसके अंदर दर्शाया गया है, वो आपके आमिर के अंदर दर्शाया गया है। नाथद्वारा की बात करूं तो नाथद्वारा में आपको याद रखनी है कमला और इलायची, कौन, कमला इलायची, और ये खाने वाली नहीं है, ये चित्रकार है, क्या है, ये चित्रकार है। ठीक है, कई बार पूछा गया है कमला इलायची का संबंध किस चित्रकला से है, कमला इलायची का संबंध किस चित्रकला से है, तो क्या है, किससे है, तो वो आपके देखने को मिल जाता है नाथद्वारा से, चित्रकार लिख लेना, चित्रकार। ठीक है, साथ ही याद रखना कि भगवान की जो कृष्ण लीला है, भगवान के जो बाल चरित्र हैं, भगवान की जो लीला है, उनको सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है, या कृष्ण राधा का सर्वाधिक प्रभाव किस पर दिखाई देता है, नाथद्वारा पर, कृष्ण लीला। जबकि जो मैं बात करूं जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सजीव चित्रण किया जाता था पर्दे पर, वो कहां पर किया जाता था, आपके पिछवाई नाथद्वारा के अंदर ही था। ठीक है, आगे बात करूं तो भिनाए सावर मशूड़ा किसकी चित्रशैलियां हैं, बिल्कुल किसकी चित्रशैलियां हैं, आपके अजमेर की, किसकी चित्रशैलियां हैं, अजमेर की, या यूं मैं कहूं अजमेर चित्रशैली के, इन केंद्रों की वजह से अजमेर चित्रशैली का विस्तार या जो उसकी उत्कृष्टता थी वो अधिक ऊंचाइयों पर जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए के साथ में चलते हैं नेक्स्ट।